आज मैं अपनी बोरिंग और सिंपल हेयर क्लिप को बहुत ही क्यूट सा डेकोरेट करूंगी। इसको क्यूट सा डेकोरेट करने के लिए मैं ले रही हूँ स्ट्रॉन्ग ग्लू और कुछ सिक्वेंस। अब सिक्वेंस को ग्लू से स्टिक कर देंगे और ड्राई कर लेंगे। और अगर आपके पास सिक्वेंस ना हो तो इसकी जगह आप कोई सा भी पर्ल या स्टोन को स्टिक कर सकते हैं। तो हमारी हेयर क्लिप बहुत ही क्यूट सी बनकर रेडी हुई है। इसे बनाकर छोटे बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं या अपने फ्रेंड को दे सकते हैं या आप खुद भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और क्यूट बनी है। मैं पहली बार सिक्वेंस को क्लिप में स्टिक की हूँ। ये बहुत ही क्यूट बनी है, आप लोगों ने शायद ही ऐसा देखा होगा। अगर आप लोगों को ये आइडियाज अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इयररिंग्स की वीडियो तो मैं बहुत ही बनाई हूँ, तो चलिए आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो मैं ले रही हूँ आई पिन और रेड क्रिस्टल बीड्स। अब इस आई पिन में बीड्स को इंसर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा वायर को कर्व करके लूप बना देंगे। मैं आई पिन में 5 बीड्स को इंसर्ट की हूँ। अब आप अपने नेक के हिसाब से चेन को ले लीजिए और आई पिन को चेन में इंसर्ट कर लीजिए। तो हमारी क्यूट सी चेन रेडी है। ये चेन बहुत ही क्यूट बनी है और ये पहनने पर बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आप बताओ आपको बीड वाली चेन कैसी लगी? आप इसे डेली भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाती है और ये बहुत ही सिंपल और क्यूट है। आप लोगों को ये चेन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हेलो दोस्तों, आज मैं चेन और मोतियों से बहुत ही क्यूट सी पेंडेंट और उसकी मैचिंग इयररिंग बनाऊंगी। मैं यूज करूंगी ग्रीन बीड, आप इसकी जगह कोई सा भी बीड्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेड पिन में बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा वायर को कट करके वायर को कर्व कर देंगे और आप अपने नेक के हिसाब से चेन को कट कर लीजिए। फिर चेन के बीच सेंटर में बीड को इंसर्ट कर दीजिए। तो हमारी यूनिक सी पेंडेंट बनकर रेडी है। तो हमारी पेंडेंट बहुत ही क्यूट बनी है, आप इसे कॉलेज पार्टी या फिर फ्रेंड्स के घर पहनकर जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल और यूनिक है। कभी पार्टी में जाना होता है ना, तो दिल करता है बहुत ही शॉर्ट और छोटी सी ज्वेलरी पहनी जो एकदम हल्की फुल्की सी हो और उसे पहनने के बाद कोई उलझन भी ना लगे। तो ये वाली ज्वेलरी जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही कम समय में बन जाएगी और ये फैंसी भी लगेगी। तो हमारी पेंडेंट तो बन गई, इसकी इयररिंग बनाना तो बहुत ही आसान है। हेड पिन में एक बीट को इंसर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा वायर को कट करके लूप बना देंगे। और अब लास्ट हमें इयररिंग हुक को अटैच करनी है। इसी तरह एक और इयररिंग बना लीजिए। तो हमारी सिंपल और क्यूट सी पेंडेंट विद इयररिंग्स रेडी है। आप बताओ आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना। आज मैं ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो सेकंड्स में बन जाएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लिया है 2 व्हाइट कलर की बटन्स, आप इसकी जगह कोई सा भी बटन्स यूज कर सकते हैं। तो बटन के बीच सेंटर में ग्लू लगाकर एक स्टोन को स्टिक करेंगे और ड्राई कर लेंगे। आप इसे बनाकर छोटे बच्चे को, फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं और खुद भी पहन सकते हैं। अब लास्ट इसमें एयर स्टड को स्टिक करेंगे। मैं फेविक्विक से स्टिक कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई सा भी हार्ड ग्लू ले सकते हैं। तो हमारी एयर स्टड बस कुछ सेकंड्स में ही बनकर रेडी हो गई है। आप लोगों को ये आइडियाज कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना। आज मैं बनाऊंगी बॉल चेन से बहुत ही डिफरेंट ज्वेलरी, वो भी इतनी यूनिक कि शायद ही आपने कहीं देखी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लास्टिक सीट को सर्कल में कट करेंगे, एक बड़ी और एक छोटी। अब इस पर ग्लू को स्टिक करके एक गोल्डन हाफ कट बीट को स्टिक करेंगे। इसके बाद बॉल चेन की एक राउंड को स्टिक करेंगे, फिर 2 राउंड और चेन को स्टिक कर लेंगे। तो हम चेन को 3 लेयर में स्टिक करेंगे, फिर एक्स्ट्रा प्लास्टिक को कट करके इसे ड्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से इसके दूसरी पार्ट को भी बना लेंगे। इसके दूसरी पार्ट में 2 लेयर चेन को स्टिक करेंगे। अब इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए 2 आई पिन को छोटे पीस में कट कर लेंगे। इसके बाद आई पिन को दोनों पार्ट पर स्टिक करेंगे, फिर इसे ड्राई कर लेंगे। अब इस स्टड को स्टिक करेंगे और इयररिंग्स के दोनों पार्ट को एक दूसरे में अटैच कर देंगे। तो हमारी बॉल चेन की बहुत ही न्यू और डिफरेंट इयररिंग्स रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। न्यू और डिफरेंट ज्वेलरी सीखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहना और वीडियो को